कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का नजारा इन दिनों देखने लायक है। कोरोना काल बीत जाने के बाद यूनिवर्सिटी में रौनक लौटी है। एक लंबे समय बाद दीपोत्सव ने माहौल बदला है। स्टूडेंट्स को अपनी हुनर और कला का प्रदर्शन दिखाने के लिए सुनहरा मौका मिला है। गुनगुनी धूप और उसके बाद ठंडी शाम उत्सव के माहौल को और खुशनुमा बना रही है। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में दीपावली के उपलक्ष्य में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। इसमें सांसद सत्यदेव पचौरी और जिलाधिकारी कानपुर नगर विशाख ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छत्रपति शाहू जी महाराज के कुलपति विनय कुमार पाठक मौजूद थे। मेले में छात्र छात्राओं ने कई स्टॉल लगाए, जिसमें खेलों और स्टॉल नुक्कड़ नाटक आकर्षण का केंद्र बने। इस मेले में छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। भिन्न भिन्न स्टॉलों में विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। इन वस्तुओं में कारीगरी दिल को छू रही थी, वहीं हाथों का हुनर भी अपना कमाल दिखा रहा था। हाथ से बनी वस्तुओं ने मेले में आने वालों का मन मोहा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के नन्हे हाथों से बनाई गई मिट्टी की दिवाली हर आने जाने वाले को दिवाली का न्योता दे रही थी। ये तो हमारा ये काटो ये हमारा है। हमारे वीरों ने यहाँ कुछ किया है प्यारे भाइयों, हमारे और छतरी का तो भैया है कर्म है। अरे दुनिया अब अपने और दोस्तों कुछ करी हाँ, पर बाबा अपने अरे भैया हार हो चाहे जी तो कानपुर यूनिवर्सिटी का माहौल इन दिनों देखने लायक है। कोरोना काल बीत जाने के बाद दीपोत्सव एक नई उमंग लेकर के आया है। एक लंबे समय के बाद दीपोत्सव ने छात्रों को अपना हुनर दिखाने का अवसर दिया है। छात्रों के द्वारा हाथों से बनी हुई कलाकृतियां व चीज़ें लोगों का मन मोह रही हैं। इसी दौरान हमारी बातचीत हुई एक ऐसे शख्स से जो गरीब बच्चों के द्वारा बनी हुई मिट्टी की दियारियों को बेच रहा था। हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि इस व्यक्ति से मिल करके और उन बच्चों के कलाकृति को खरीद करके उनका उत्साहवर्धन करने का कार्य करें। इस माहौल में छात्रों का उत्साह देखने लायक है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्टॉल हैं वो लोगों का मन मोह रहे हैं, इनकी कलाकृतियों को लोग सराह रहे हैं। न्यूज़ नेटवर्क 24 की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन तनिष शर्मा के साथ मैं दीपचंद्र बेदी।